माया माया, इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। और ये बच्चियाँ, भगवान का शुक्र है दोनों बच्चियाँ सही सलामत हैं। रुचि बस कर बेटी, थोड़ा आराम कर ले, सुबह से लगी है, थक गई होगी। हाँ माँ, बस हो ही गया, ये बर्तन निपटाकर मैं बस पढ़ने ही जा रही हूँ। हैं, अब पढ़ाई करेगी, तू कभी थकती नहीं है क्या? क्या माँ, पढ़ाई में कौन थकता है? थकती है ना तेरी बहन, किताब देखते ही उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और घर के कामों का तो नाम सुनते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। आह, काश उसके अंदर तेरा एक भी गुण आ जाए तो जीवन सफल हो जाए उसका। ओहो माँ, जो बुरा भला कहने कह लो, पर ऐसी बद्दुआ तो मत दो, इसके जैसी काली पड़ गई मैं तो जीवन सफल नहीं, बर्बाद हो जाएगा मेरा। चुप कर, बस शीशे के सामने लाली लिपस्टिक चुपड़ने और मुंह चलाने के अलावा और कुछ आता है तुझे? अब भी वक्त है, सुधर जा शुचि, वरना बहुत पछताएगी। बोल रही हूँ। पछताओगी तो तुम माँ, जिस दिन मैं एक मशहूर मॉडल बन जाऊंगी और तुम्हारी चहेती ये कोयले जैसी काली शक्ल वाली जल भुनकर काली हो जाएगी। शुचि चुप हो जा वरना। माँ क्यों गुस्सा कर रही हो, पता है ना तुम्हारा बीपी कितना जल्दी बढ़ता है, चलो अंदर चलो और आराम करो। इतना कहकर माया की बड़ी बेटी रुचि उसे अपने साथ कमरे में ले गई। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन शुचि ने अपने कमरे में जाकर फौरन अपनी सहेली को फोन लगाया। हेलो काजल, कहाँ है तू? घर पर हूँ, बता। यार मेरा मूड बहुत खराब है, अब मेरे साथ पार्लर चलेगी क्या? हैं पार्लर? बट तूने तो परसों ही अपना पूरा मेकओवर करवाया था, तुझे तो पता है ना जब भी मेरा मूड खराब होता है तो बस मेकओवर के बाद ही ठीक होता है, चल ना यार प्लीज। हुआ क्या ये तो बता। अरे वही हर रोज की कहानी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तू देखना एक दिन ये घर छोड़कर कहीं भाग जाऊंगी मैं। ओ ओ ओ मैडम बस कर, थोड़ी ठंडी हो जा। वैसे मैं और माँ तेरे घर आने की सोच ही रहे थे, अब माँ को कुछ बात करनी है आंटी से। ठीक है, फिर शांता काकी को यहीं छोड़कर तू मेरे साथ चल देना। ठीक एक घंटे बाद शुचि की दोस्त काजल अपनी माँ शांता के साथ उसके घर पहुंच जाती है। शांता और माया बहुत पुरानी सहेलियां थी और अब दोनों की बेटियों में भी खूब जमती थी, खासकर काजल और शुचि एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। फिर पार्लर जाते हुए, छोड़ ना यार शुचि, मुझे लगता है तू अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही चिढ़ती है। मेरा चिढ़ना बिल्कुल वाजिब है, मुझे तो लगता है वो मेरी सगी बहन है ही नहीं, एक ही माँ की भला एक बेटी इतनी गोरी और एक इतनी काली कैसे हो सकती है, तू ही बता। उफ, मुझे तो उसे अपने साथ खड़ा करने में भी शर्म आती है। ये सच था, शुचि अपनी बहन रुचि को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसकी वजह सिर्फ एक ही थी, रुचि की काली सूरत। रुचि की लाख कोशिशों के बावजूद शुचि कभी उसके साथ घुल मिल नहीं पाई और इसी बात की चिंता दोनों बहनों की माँ माया को खाए जा रही थी। शांता ये शुचि का आखिर क्या करूं, अभी भी देख काजल के साथ पार्लर ही गई है पैसे बर्बाद करने। आह, एक मेरी रुचि है और एक ये। बस करो माँ, तुम उसे कुछ ज्यादा ही टोकती हो इसीलिए वो इतनी गुस्से वाली हो गई है। रुचि ठीक कह रही है माया, वैसे मैं भी तुझसे शुचि के बारे में ही बात करने आई थी। दरअसल मेरे जानने में एक लड़का है, सरकारी नौकरी है और परिवार भी बहुत अच्छा है, उन लोगों को तेरी शुचि बहुत पसंद आ गई है, तू कहे तो मैं बात चलाऊं। नहीं काकी, अभी कैसे, अब शुचि को मॉडल बनना है, मुझे लगता है कि हमें उसकी शादी को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ शांता, और वैसे भी रुचि बड़ी है तो पहले उसी की शादी होगी, उसके बाद ही शुचि के बारे में सोचेंगे, अब तू रुचि के लिए बात चलाना। माया की इस बात का शांता ने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब साफ था कि लड़के वालों को रुचि पसंद नहीं थी और शुचि के लिए माया ने ना कह दिया तो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, जब इस सब के बारे में शुचि को पता चला तो वो भड़कती हुई माया के पास पहुंची। क्यों माँ, आखिर कब तक इस काली कलूटी की वजह से मेरे साथ अन्याय करती रहोगी? काजल ने सब बताया मुझे, इतना अच्छा रिश्ता सामने से आया था मेरे लिए और तुमने बस इसलिए मना कर दिया ताकि इसे बुरा ना लगे। ऐसा कुछ नहीं है शुचि, बल्कि हम तो तेरे। तू चुप रह, मैं माँ से बात कर रही हूँ। माँ तुम्हें आज बताना ही होगा आखिर कहाँ से उठाकर लाई थी इसे, क्योंकि इतनी काली ना तो तुम्हारी बेटी हो सकती है और ना ही मेरी बहन, आखिर क्या वजह है जो हमेशा मुझसे पहले तुम इसके बारे में सोचती हो, बताओ माँ बोलो। शुचि पूछती रही लेकिन माया कुछ नहीं बोली क्योंकि वो तो बेहोश हो चुकी थी और फिर अस्पताल में। इन्हें किसी बात का शौक लगा है रुचि, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन्हें किसी बात का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। खैर फिलहाल तो इन्हें खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आगे ध्यान रखना। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और शुचि एक बार फिर रुचि पर बरस पड़ी। डॉक्टर ने क्या कहा था तुझे, क्या हुआ है माँ को, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिर तू मुझसे मेरी माँ को अलग क्यों करना चाहती है?
रुक जाओ शुचि, बस करो। तुम सच जानना चाहती हो ना, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें सब बताऊंगी। क्या कर रही है माया, आग बहुत ज्यादा है, तुझे कुछ हो गया तो? और वैसे भी वो बच्चियाँ कौन सी अपनी है? नहीं शांता, उन बच्चियों को मेरी जरूरत है, मुझे जाना ही होगा। माया ने भले ही तुम दोनों को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन उस दिन जब तुम दोनों अपने परिवारों से बिछड़ गई थी, तब माया ने तुम्हें सिर्फ आग से नहीं बचाया, बल्कि उसी दिन से वो तुम दोनों की माँ बन गई। उसने कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया। फर्क तो तुम करती आई हो शुचि, खुद के गोरे रंग पर इतना घमंड हो गया तुम्हें कि अपनी बहन की अच्छाइयां कभी नजर ही नहीं आई तुम्हें। सच सामने था और शुचि की आंखों में शर्मिंदगी, जिसे समझते हुए शुचि आगे बढ़ी और उसने कस रुचि को गले से लगा लिया और यहीं से सब ठीक हो गया। रामानुज और रमा की दो बेटियां हैं, श्यामा और गौरी। श्यामा का रंग काला है तो गौरी का रंग गोरा। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार है, वो साथ खेलती हैं, साथ पढ़ती हैं और साथ ही शैतानी भी करती हैं। और उनमें से अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी को कुछ चोट लग जाए तो फिर पूछिए मत। माँ, गौरी का घाव कब भरेगा? सुबह से शाम हो गई, बेचारी को बहुत दर्द हो रहा है। अरे वो घाव है, ठीक होने में समय लगेगा। गौरी का घाव जब तक भरा नहीं, श्यामा चैन से न सोई और न खाई, और जब वो पूरी तरह ठीक हो गई, तो दोनों बहनें फिर से निकल गईं मस्ती करने। श्यामा, कितने दिन हो गए ना हमें बाहर घूमे, चलो बाबा के खेत पर चलते हैं। रामानुज की फसल इस साल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए वो बहुत खुश था और उसने इस बार अपनी दोनों बेटियों को देने के लिए चांदी का एक जैसा ही लॉकेट बनवाया था। लॉकेट में एक ढक्कन था जो खुलता था। रामानुज ने दोनों बहनों की तस्वीर भी उसमें लगवा दी थी। श्यामा और गौरी को जब उसके पिता ने ये लॉकेट दिया तो दोनों बहनें खुशी से उछल गईं। गौरी, ये लॉकेट कितना अच्छा है ना, देख इसमें हम दोनों की तस्वीरें भी हैं। हाँ श्यामा, मुझे ये लॉकेट बहुत पसंद है, एक काम करती हूँ, मैं ना अपने वाले लॉकेट में तेरी फोटो लगा लेती हूँ और तू मेरी फोटो लगा, अगर हम कभी दूर हुए तो कम से कम फोटो तो तुम्हारे साथ रहेगी। पर हम दूर क्यों होंगे, मुझे तो हमेशा तेरे साथ रहना है, तेरे बिना नहीं रहना। रामानुज और रमा दोनों बहनों के प्यार को देखते तो उनकी आंखें भर जाती थी। इन दोनों बहनों के प्यार को किसी की नजर न लगे रमा, ये हमेशा साथ साथ रहें। लेकिन होनी की किताब के किस पन्ने में क्या लिखा है ये कौन जानता है। बारिश का मौसम शुरू हो गया था और इस बार की बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लोगों के घरों में पानी घुस रहा था, लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। रामानुज का परिवार भी पानी के बीच से अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में जा रहा था। श्यामा देख, तू मेरा हाथ कस के पकड़ कर रख, पानी का बहाव बहुत तेज है, और तू भी मेरा हाथ जोर से थामे रख। वो सभी धीरे धीरे चले जा रहे थे, तभी अचानक पानी का जोरदार वेग आया और गौरी का हाथ श्यामा के हाथ से छूट गया। रामानुज और रमा भी उनसे बिछड़ गए। श्यामा, श्यामा। गौरी पानी के तेज बहाव में बहती चली जा रही थी, उसने पानी में बहुत हाथ पांव मारे, फिर वो बेहोश हो गई और बहती हुई एक नदी में चली गई। उधर बाढ़ का पानी जब थमा तो श्यामा का जीवन बिल्कुल बदल गया। रामानुज की मौत हो गई थी, उसकी माँ तो जिंदा थी लेकिन वो शौक में चली गई थी, वो तो श्यामा को पहचान भी नहीं पा रही थी। माँ, मैं हूँ श्यामा, तेरी बेटी। लेकिन रमा उसे नहीं पहचान पाई। श्यामा ने अपनी बहन को बहुत तलाशा लेकिन वो नहीं मिली। उधर गौरी नदी के पानी के बहाव में बहती हुई समंदर में चली गई। वहाँ मछुआरों के झुंड ने अपना जाल बिछा रखा था, वो उस जाल में फंस गई। मछुआरों ने जब जाल खींचा और उसमें एक लड़की को देखा तो भाई, ये लड़की कहाँ से आ गई हमारे जाल में भाई, हमें मल्होत्रा सेठ को इसके मिलने की बात बतानी होगी। मल्होत्रा सेठ मछलियों के बहुत बड़े कारोबारी थे, वो मछलियों को देश के हर एक कोने में सप्लाई करते थे, सारे मछुआरे उन्हीं के अंडर काम करते थे। मछुआरों के झुंड ने गौरी को मल्होत्रा सेठ को सौंप दिया। अरे ये बच्ची कहाँ मिली तुम लोगों को? मल्होत्रा जी ने उस बच्ची के सीने पर अपना कान लगाया, उसके दिल की धड़कन चल तो रही थी लेकिन बहुत ही धीमे। वो बच्ची को लेकर तुरंत अस्पताल पहुँचे, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा, देखिए बच्ची की हालत सीरियस है, हमें इसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर साहब, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए, बस इसे ठीक कर दो। मल्होत्रा सेठ के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की।
उसकी पत्नी अंजलि और वो खुद शादी के 13 साल के बाद भी बच्चे की किलकारी का इंतजार कर रहे थे। गौरी को वो भगवान के आशीर्वाद की तरह समझ रहे थे। अंजलि देखना, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, भगवान ने इसे हमारे घर में अंधेरे को मिटाकर रोशनी करने के लिए भेजा है। 2 दिन बाद गौरी को होश आ गया, लेकिन गौरी अब पुरानी सारी बातों को भूल चुकी थी, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। मल्होत्रा जी ने उस बच्ची को नाम दिया रिंकी और उसे गोद ले लिया। समय बीतता गया, गौरी अब एक नए नाम रिंकी के साथ बड़ी होने लगी। उसके पास अब दुनिया की सारी दौलत थी, वो ऐशो आराम में पलने लगी। हालांकि गौरी पुरानी सारी बातें भूल गई थी, लेकिन वो हमेशा एक सपना देखती कि वो डूब रही है और कोई गौरी गौरी पुकार रहा है। उस रात भी वो वही सपना देख रही थी और चौंक कर उठ गई। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भागते हुए आए। क्या हुआ बेटी, तुमने फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ मॉम, फिर से वही सपना। वैसे ये गौरी किसका नाम है? मेरा नाम तो रिंकी है। गौरी अब पहले वाली गौरी नहीं रह गई थी, पैसे ने उसे घमंडी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उधर श्यामा की माँ की हालत वैसी ही थी, उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। कुछ लोगों ने श्यामा को सलाह दी कि उनका इलाज शहर में कराए, इसलिए वो उसे लेकर शहर आ गई। देखिए, इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है और वो सदमा इनके दिमाग में अंकित हो गया है। जब तक वो मिटेगा नहीं, ये ठीक नहीं होंगी। श्यामा अब अपनी माँ को गांव वापस नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर पुरानी सारी यादें बसी थी। अगर वो उन्हीं के बीच में रहती तो कभी ठीक नहीं होती। उसने शहर में ही रहने का तय कर लिया और यहाँ पर काम की तलाश करने लगी। संयोग से उसे गौरी के यहाँ नौकरानी का काम तो मिल गया, लेकिन गौरी श्यामा के रंग के कारण उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती थी। ओ काला जामुन, इधर आ, जरा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, फटाफट तेल लगा दे। जी मैम साहब। गौरी श्यामा से घर का सारा काम करवाती और हर बात में उसका मजाक उड़ाती। एक दिन गौरी के कुछ दोस्त उससे मिलने आए हुए थे, तभी गौरी ने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा श्यामा, एक बात बता, तू बचपन में कोयले की खान में गिर गई थी क्या? इतनी काली कैसे हो गई? ये कहकर गौरी और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। बार बार के अपमान से श्यामा का दिल भी दुखता, लेकिन नए शहर में फिर से नई नौकरी ढूंढना इतना आसान तो नहीं था। वो अपमान का घूंट पीती और उनके घर काम करती। एक दिन की बात है, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी तो मल्होत्रा जी की पत्नी ने श्यामा को उस रात घर पर ही रुकने के लिए कहा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गौरी को जब ये पता लगा कि श्यामा वहाँ रुकी है तो उसने उसे बुलाकर कहा, ए काला जामुन इधर आ। सुन, एक काम कर, आज बहुत बारिश हो रही है, आज मौका है तेरे काले रंग को हटाने का। जा बारिश में जाकर भी, मैं देखती हूँ कि तेरा काला रंग निकलता है कि नहीं। ये आप क्या कह रही है मालकिन, भला इस तरह से किसी का रंग कैसे निकलेगा? तुझे जो बोला वो कर, नहीं तो अपना हिसाब कर और कल से आने की जरूरत नहीं है तुझे। श्यामा मजबूर थी, वो बारिश में खड़ी होकर भीगने लगी और गौरी जोर जोर से हंसने लगी। अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि हंसते हंसते गौरी के गले का लॉकेट नीचे गिर गया। ये वही लॉकेट था जो बचपन में श्यामा और गौरी को उसके पिता ने दिया था। गौरी उस लॉकेट को उठाने लगी, तभी बारिश में भीगती श्यामा की नजर उस लॉकेट पर गई। उस लॉकेट को देख वो चौंक गई। अरे ये तो वही लॉकेट है जो बाबा ने हम दोनों बहनों को दिया था, लेकिन ये मेम साहब के पास कहाँ से आ गया? अगले दिन की बात है, श्यामा को मल्होत्रा जी से गौरी के मिलने की सारी कहानी पता लगी। वो सारा सच जानकर बहुत खुश हुई कि उसकी बहन जिंदा है। उसकी याद में ना जाने उसने कितने दिन रो रो कर गुजारे थे और आज भी हर दिन वो उसे याद जरूर करती थी। लेकिन श्यामा ये बात चाह कर भी गौरी को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसे बताकर भी क्या फायदा होता, वो तो पुरानी सारी बातें भूल गई थी। हालांकि उसने अपनी माँ को जब ये बातें बताई तो उनकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। हाँ माँ, हमारी गौरी जिंदा है, मैं उसी के यहाँ काम करती हूँ। क्या कहा, क्या मेरी बेटी जिंदा है? मेरी गौरी जिंदा है? तू ले चल मुझे उसके पास। माँ उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं पहचान पाएगी। एक दिन की बात है, गौरी श्यामा का मजाक उड़ाने और उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही एक डिस्को मिले गई। डिस्को में उसके कई सारे दोस्त आने वाले थे, वो सभी आए। क्या बात है रिंकी, तेरी बहन को यहाँ एंट्री दे दी डिस्को वालों ने? वो क्या है ना, यहाँ स्मार्ट लोगों को एंट्री देते हैं ना। अरे यार बड़े पापड़ बेलने पड़े, वो तो मैं इसे इसलिए ले आई क्योंकि काली चीज साथ रहेगी तो मुझे नजर नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। बेचारी श्यामा चुपचाप खड़ी सबको देख रही थी। तभी डिस्को में आए दूसरे कुछ लड़के जो नशे में भी थे, गौरी की बात सुनकर गौरी के साथ बदतमीजी करने लगे। आए हाय, ये तो बहुत सही गई तुमने, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी की भी नजर लग सकती है, हैं? लेकिन फिगर नॉट, हम बन जाएंगे ना तुम्हारे लिए काजल, क्यों आए लोग हैं?
ये कहकर उन लड़कों ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ मुझे, छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, तुम्हें हमारे बिना नजर लग गई तो। ये कहकर उन बदमाश लड़कों ने जेब से चाकू भी निकाल लिया। गौरी के सारे दोस्त ये देखकर रफू चक्कर हो गए, लेकिन श्यामा को अपनी बहन के साथ हो रही बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो उन लड़कों से भिड़ गई। ओ तेरी, देख रहा है इस मेरी कॉम को, हैं? बहुत शौक चढ़ाए से लड़ने का है। उस लड़के ने श्यामा पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन श्यामा ने खुद को बचाया। तभी कुछ और लड़के श्यामा को पकड़ने के लिए आगे आए और उसमें गुत्थम गुत्था हो गए। इसी क्रम में श्यामा के गले का लॉकेट खुलकर नीचे गिर गया। गौरी की नजर जैसे ही उस लॉकेट पर गई, उसका सिर चकराने लगा और उसे सब कुछ याद आ गया। इस बीच उस लड़के ने चाकू निकाल कर फिर से श्यामा पर हमला करना चाहा, तो गौरी चिल्ला कर बोली, श्यामा श्यामा। गौरी के मुंह से अपना नाम सुनकर श्यामा को जोश आ गया। उसके बाद तो उन दोनों बहनों ने मिलकर उन शराबी लड़कों के छक्के छुड़ा दिए। इस बीच डिस्को के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस उन लड़कों को पकड़ कर ले गई। श्यामा मेरी बहन, तू आ गई, तू मेरे पास आ गई। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।